हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 19, जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो हमें एक ट्रायल बैलेंस की बना है, जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पे देखिए, मेरी बुक में 31 मार्च 2019 एंड ईयर दे रखा है। हो सकता है आपके बुक में 2020 दे रखा हो, तो उससे कुछ घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन हमारा सेम ही है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। साथ के साथ कुछ एडजस्टमेंट की बने हमें, इस एडजस्टमेंट को भी आपको ध्यान में रखना है। कब कौन से एडजस्टमेंट कहाँ प्लस होगी कहाँ माइनस होगी ये मैं आपको सोल्यूशन में बताऊंगा, पर यहाँ पे ये याद रखिए कि हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट हो। अब एक बार फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेट होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे। यहाँ मेंशन कर लीजिएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जो सा भी ईयर आपको दे रखा हो आपके क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट में भी आपको मेंशन करना है बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ 31 मार्च 2019। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, हम आइटम को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें डेटर्स गिवन है। डेटर पार्ट होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड का, तो मेंशन कीजिए डेटर, मेंशन कीजिएगा 3,20,000 रुपीज। इसको मैंने अमाउंट के कॉलम में क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि इसके एडजस्टमेंट हमें गिवन है। एडजस्टमेंट में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 4,000 रुपीज आर टू बी रिटर्न ऑफ एस बैड डेट्स आउट ऑफ द अबव डेटर एंड 5% इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4,000 रुपीज जो है ये आपके बैड डेट्स है, तो आपको माइनस करना होगा बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट है, तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, और साथ के साथ आपको न्यू प्रोविजन भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो 4,000 रुपीज गिवन है, इसको आप क्या कीजिएगा, एसेट में से माइनस कीजिएगा, लेस कीजिएगा बैड डेट 4,000 रुपीज। अभी एडजस्टमेंट की तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट साइड मेंशन करना है, टू बैड डेट्स लिख के 4,000 रुपीज। यहाँ पे भी मैं अमाउंट के कॉलम में नहीं मेंशन करूंगा, क्योंकि इसके साथ एक और एडजस्टमेंट भी गिवन है, जो कि 5% आपको क्या करना है, न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है। तो उसको आपको किस तरीके से ट्रीट करना है ये देखिएगा। अब यहाँ पे किस तरीके से 5% न्यू प्रोविजन कैलकुलेट होगा, जब आप 3,20,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो ये 3,16,000 रुपीज आएगा। इसका 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका न्यू प्रोविजन आएगा, जो कि आपको बैलेंस शीट में माइनस ही करना है। तो माइनस करके कैलकुलेट करके 15,800 रुपीज आएगा। इसको आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे लेस हुआ है तो इसको आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आपको ऐड करना है। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ऐड कीजिएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपको कितना आया था, 15,800 रुपीज आया था। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ऐड करना है, अमाउंट कॉलम में आपका पास आ जाएगा प्लस करके 19,800 रुपीज। सेम इसी तरीके से डेटर में आपका पास जो प्लस करके माइनस करके आएगा वो 3,02,000 रुपीज आएगा। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने डेटर वाली एडजस्टमेंट को अपने अकाउंट्स में शो किया है, फाइनल अकाउंट में शो किया है। आपको करना क्या है, बैलेंस शीट में से माइनस करने हैं और आपको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्लस करना है। चलिए अब आगे क्या चलते हैं, आगे हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होता है, तो मेंशन कीजिएगा टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट के कॉलम में 2,20,000 रुपीज। कैश इन हैंड एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए कैश इन हैंड लिख के, अमाउंट के कॉलम में 350 रुपीज। कैश एट बैंक भी एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए कैश एट बैंक लिख के 15,450 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी हमें गिवन है 1,75,000 रुपीज की, जो कि एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिएगा प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000 रुपीज की। इसको मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है, 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 1,75,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका डेप्रिसिएशन आएगा 17,500 रुपीज। इसको आपको बैलेंस शीट में से माइनस करना है, माइनस करने पर आपके पास आएगा 1,57,500 रुपीज। अभी एडजस्टमेंट है, तो जैसा कि मैंने बताया हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा। अब इस एडजस्टमेंट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट साइड शो करना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिखिएगा, 17,500 को आपको अमाउंट के कॉलम में शो करना है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट थी इसलिए इसका इंपैक्ट दो जगह हुआ। नेक्स्ट हमें सन्द्री क्रेडिटर की बना है, जो कि लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में मैंशन कीजिएगा 1,06,500 रुपीज। जनरल एक्सपेंस गिवन है 10,750 के, तो कि एक तरीके से इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, मेंशन कीजिएगा 10,750 रुपीज। इसको भी अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है, क्या गिवन है, 1,500 बट आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना प्लस करना है, 1,500 है तो प्लस करके आपके अमाउंट के कॉलम में आएगा 12,250 रुपीज का। अब ये भी एडजस्टमेंट है, तो इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड होगा, जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग करके मेंशन कीजिएगा 1,500 रुपीज। नेक्स्ट हमें सेल्स गिवन है, सेल्स प्रॉफिट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट है, तो बाय सेल्स लेके मेंशन कीजिए अमाउंट के कॉलम में 13,45,000।
हमें सैलरी गिवन है जो कि 22,250 है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। 22,250 को आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए। कैरेज आउटवर्ड्स भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। 4,000 रुपीज रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, मेंशन कीजिएगा। 9,000 रुपीज यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है, जो कि आउटस्टैंडिंग रेंट है 850 रुपीज का, जो कि आपको ऐड करना है। ऐड कीजिएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 850 रुपीज, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 9,850 रुपीज। अभी आउटस्टैंडिंग रेंट है तो लायबिलिटी साइड का पार्ट होगा क्योंकि एडजस्टमेंट है तो इंपैक्ट दो जगह होगा, तो 850 को आप लायबिलिटी में मेंशन कीजिए। इसके बाद हमें बिल्स पेबल गिवन है। बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी में मेंशन कीजिए। बिल्स पेबल लिखिए, अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिएगा 75,000। देन हमें परचेज गिवन है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है तो परचेज लिखे मेंशन कीजिए अमाउंट के कॉलम में 11,88,700 रुपीज। देन हमें डिस्काउंट गिवन है जो कि एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डिस्काउंट लिखे अमाउंट के कॉलम में 11,000 रुपीज। प्रीमिसेस गिवन है 3,45,000 की, जो कि एसेट है तो एसेट में मेंशन कीजिए प्रीमिसेस लिखे 3,45,000 रुपीज। ये मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है। प्रीमिसेस पे 2% का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो लेस कीजिएगा 2% कैलकुलेट करिएगा पहले 3,45,000 का, जो कि आपका 6,900 रुपीज आएगा। इसको आपको बैलेंस शीट में से माइनस करना है, माइनस करने पर आपके पास 3,38,100 रुपीज आएगा। इसको आपको डेबिट साइड भी दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, क्योंकि ये हमारी एडजस्टमेंट थी। 2 डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीमिसेस लिखिएगा और 3 और 6,900 रुपीज का जो डेप्रिसिएशन था ना, उसको शो कीजिएगा डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन हमें कैपिटल गिवन है। कैपिटल लायबिलिटी में आती है, कैपिटल लेके मेंशन कीजिएगा 7,95,000 रुपीज। अभी हमें इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, अगर हमें नेट प्रॉफिट होगा तो हम उसको ऐड करेंगे और लेस करेंगे, अगर हमें नेट लॉस होगा तो हम उसको लेस करेंगे। तो अभी हमें पता नहीं है कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ है, तो अभी के लिए आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। जब हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो हम यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देंगे। इसके बाद हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रखी है। ये एडजस्टमेंट में गिवन था तो इंपैक्ट दो जगह होगा। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 1,24,500 रुपीज, और बैलेंस शीट में भी आपको एसेट में मेंशन करना है क्लोजिंग स्टॉक लिख के 1,24,500 रुपीज। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका टोटल, हमें ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और या फिर बैलेंस शीट को हमें टैली करना होगा। उससे पहले भी हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है। क्या एडजस्टमेंट गिवन है इसको समझते हैं। हमें एडजस्टमेंट गिवन है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखिए यहाँ पे आपको मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करनी है, पर साफ साफ मेंशन है कि नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करनी है। जब तक हमें नेट प्रॉफिट पता नहीं चलेगा हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं ग्रोस प्रॉफिट, उसके बाद पता करेंगे नेट प्रॉफिट, तो उसके बाद ही हम इस ट्रांजेक्शन को, इस एडजस्टमेंट को कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल कीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट का, जो कि 14,69,500 रुपीज होगा। जिस डेबिट साइड के टोटल करके जब आप 14,69,000 में से माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा आपका 60,800 रुपीज का। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट आया इसे ट्रांसफर कीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट लिखिएगा और यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 60,800 रुपीज। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब हमें नेट लॉस हुआ है। तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 1,03,550 रुपीज आएगा, जिसमें से 60,800 माइनस करेंगे तो हमें नेट लॉस का पता चलेगा, जो कि नेट लॉस हुआ हमें 42,750 रुपीज का। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। बट अब देखेंगे कि एडजस्टमेंट में तो नेट प्रॉफिट पर निकालने के लिए बोला है, पर हमें तो नेट लॉस हो गया, तो इस एडजस्टमेंट को आपको इग्नोर करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। साथ के साथ अब आपने क्या करना है, जब नेट लॉस हो गया इसको आपको कैपिटल में लेस करना है, तो लेस कीजिएगा नेट लॉस जो कि 42,750 रुपीज है, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 7,52,250 रुपीज माइनस करने पे। यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी, लायबिलिटी साइड भी 9,36,100 होगी और आपकी एसेट साइड भी 9,36,100 रुपीज होगी। जब आपने इतना कर लिया तो हमें एक और एडजस्टमेंट गिवन थी जो कि था फायर ब्रोक आउट ऑन 1 अप्रैल 2019। देखिए 1 अप्रैल 2019 मेंशन है, और जबकि हम जो बना रहे हैं फाइनल अकाउंट 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं, तो इस ट्रांजेक्शन को भी आप इग्नोर करेंगे क्योंकि बाद की ट्रांजेक्शन है, 31 मार्च 2019 के बाद की ट्रांजेक्शन है, तो उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हो सकता है आपके बुक में लिखा हो 1 अप्रैल 2022, तो अभी भी आप इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि आप जो बना रहे होंगे वो 31 मार्च 2021 का बना रहे होंगे फाइनल अकाउंट, तो 1 अप्रैल 2022 की ट्रांजेक्शन को भी आप इग्नोर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।